आज SKM91 न्यूज पहुंचाएगा आवाम तक। हर अहम खबरों के लिए SKM91 न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। मिर्जा रहमत बेग ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP हैदराबाद की नुमाइंदगी पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम, डिप्टी CEO वक्फ बोर्ड मोहम्मद सफीउल्लाह, कलेक्टर हैदराबाद और RDO को दरगाह यूसुफ़ नामपली में जो दुकानें जल गई थी उसके मुतालिक कॉन्टेस्टेड MLA राजेंद्र नगर मिर्जा रहमत बेग के हाथों एक तहरीरी लेटर दिया गया। जैसे ही वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP हैदराबाद का लेटर वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम को मिला, मोहम्मद सलीम ने डिप्टी CEO मोहम्मद सफीउल्लाह को लेकर दरगाह यूसुफ़ नामपली पहुंचे और जो दुकानें जल गई थी उनको दूसरी जगह देने के लिए दौरा किया गया। इस मौके पर इंस्पेक्टर हबीब नगर भी मौजूद थे। हमारी नुमाइंदे रिपोर्टर जहांगीर की एक खास रिपोर्ट पेश है। SKM91 न्यूज़ के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद, मैं हनान फातिमा, ब्यूरो रिपोर्ट SKM91 न्यूज़। मैं बोला ना लोग अल्टरनेट जगह देंगे, वो बोले ना से आप लोग आप बात आप करना है सर, और कोई आने का है? नहीं सर। सरफेन सरफेन में जो है ना आज हमारे CEO डिप्टी CEO साहब, पूरे हमारे वफ ऑफिशियल और हमारे इंस्पेक्टर पुलिस हबीब नगर, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट, हम लोग सब मिलकर और यहाँ का जो दुकाना जो जल गए थे उसका जो है ना इंस्पेक्शन करें। और दूसरी चीज़, इन लोगों को अल्टरनेट जगह कैसा देना है, इनका भी काम चलना है। किसी के पेट पर रोजी पे पैर रखना हमको नहीं है। रोजी पे कारोबार करने के लिए जगह देंगे, बराबर देंगे, कैसा कहाँ देना है वो देख लेंगे। इसलिए कि खबरा है बोल के हम लोग ऑर्डर है और कुछ नहीं है। खबरा नहीं रहते तो अभी हम ऐलान कर देते थे, क्योंकि ग्रेवियार्ड है, ग्रेवियार्ड रहता हो। आपको जगह आपका काम चले वैसा देंगे, आप लोगों की मनपसंद जगह देंगे आपको। आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज असद साहब भी लेटर लिखे, असद साहब के लेटर को हम सब मिल के जो है ना पूरा जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से भी हम लोग सब मिल के KCR साहब भी जो है ना किसी गरीब को हक नहीं मारना बोल के बोलते KCR साहब भी, KCR साहब हम लोग सब मिलके पूरी टीम वर्क करके जो है ना आप लोगों का बराबर आपका रोजगार की जगह अलाट करेंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिए, इंशाल्लाह ताला कहाँ पर देना है वो हम लोग जो है ना सैटरडे के दिन, कल जुम्मा है नहीं होता, कल गुड फ्राइडे छुट्टी है, परसों डिप्टी CEO साहब हमारे ऑफिशियल पूरे लोग जो है ना हमारे इंस्पेक्टर साहब सब मिलके देख के पब्लिक को भी डिस्टर्ब नहीं होना, आप लोगों को भी डिस्टर्ब नहीं होना। कारोबार आपका भी चलना है, कैसा चलना है हम बराबर आपको करेंगे। आप लोग टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक दो दिन का मसला है, इंशाल्लाह पीर से आपको दिए वैसा कर देंगे। मगर वक्फ बोर्ड यहाँ के लंगर बंद कर दिया साहब, उसके तालुक से क्या? नहीं, लंगर बंद करने का सवाल ही नहीं है, लंगर भी चालू कराएंगे अब इंशाल्लाह ताला। आप बोल दिए ना, लंगर भी यहाँ पर जैसा लंगर लगता था वैसा बराबर करेंगे, क्योंकि KCR साहब की गवर्नमेंट में सेक्युलर गवर्नमेंट है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलने वाली एक ही गवर्नमेंट है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को हैप्पी रहे वैसा काम यहाँ पर करेंगे। जो दरगाह से आप वोट कमा रहा है तो यहाँ के ना तो वजू खाने आज भी ठीक नहीं है। नहीं, आज ही हम लोग एक मिनट, हम लोग आज ही जो है ना पूरे प्लाना देखें, ये बोर्ड मीटिंग में आ रहा है, बोर्ड मीटिंग में लेके हम लोग यहाँ पर पार्किंग का कैसा करना है सब पूरा सिस्टम बना रहे हैं हम लोग। ये बोर्ड मीटिंग में पहला इशू वही लेने वाले हम लोग, अल्लाह चाहे तो वजू खाने, तारत खाने, जो जो भी यहाँ कमियाँ हैं इंशाल्लाह ताला एक आध महीने में काम रमज़ान के इमीडिएट बाद शुरू कर देंगे। रमज़ान में नहीं होता क्योंकि लॉकडाउन भी है, वो हिसाब से हम लोग खामोश हैं। बजट सेंक्शन करा के रख के पूरी प्लानिंग करके वार फुटिंग में 4-5 महीने में काम कंप्लीट करने का काम करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम नखीबे मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का लेटर सुबह 11 बजे वक्फ बोर्ड के हजोज में दिया गया, चेयरमैन साहब सलीम साहब को और वक्फ बोर्ड के डिप्टी CEO साहब को, जो कि सदर मोहतरम ने अपना लेटर कलेक्टर हैदराबाद को और RDO हैदराबाद और CEO वक्फ बोर्ड और चेयरमैन वक्फ बोर्ड को दिए थे कि यहाँ के जो यूसुफ़ैन बाबा की रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के जो आज से 8 दिन पहले जो शॉर्ट सर्किट होकर दुकाना जले थे,
जो गरीब लोग के दुकानों को नुकसान हुआ था उस ताल्लुक से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनका दर्द अपने दिल में रखते हुए आज नुमाइंदगी करी वक्फ बोर्ड में जाकर। फौरी चेयरमैन साहब ने कहा कि मैं दरगाह यूसुफैन को चलता हूँ साहब, मैं विज़िट भी करता हूँ। सीओ साहब भी बोले, फिर वहाँ से हम लोग वक्फ बोर्ड ऑफिस से मजलिस की नुमाइंदगी के ऊपर चेयरमैन साहब यहाँ पर आके विज़िट करें। बराबर ये लोग जो अरसे दराज से यहाँ पर इनके दुकाना है वो लोग के ताल्लुक से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बरेशर असदुद्दीन ओवैसी साहब सीरियस लेते हुए असम्बली के ज़ीरो ओवर्स में भी हमारे नामपल्ली के MLA जनाब जाफ़र हुसैन साहब ने इस मसले को भी उठाए थे, क्योंकि ये मसले को उठाने की वजह एक ही है, मजलिस जमात हमेशा गरीबों के साथ रहती है और गरीबों को जो नुकसान हुआ उस ताल्लुक से असम्बली में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उठाई है। बराबर इनका हक सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बरेशर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हक दिलाने के लिए तहरीरी अपना लेटर भी दिए हैं। बराबर इनके साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इनको बराबर हक दिलाएंगे। शुक्रिया, खुदा अपने अपनों को खुशियाँ बांटिए। मोहम्मदिया मंदी हाउस पर चले आइए, मंदी खाइए और दोस्तों को खिलाइए। अरबी डिशेस का मजा तो मोहम्मदिया मंदी हाउस पर मिलता है, जहाँ पर फैमिली के लिए अलहदा इंतजाम, दोस्त अहबाब के लिए अलग एहतमाम किया गया है। पसंद आपकी, पेशकश हमारी। मोहम्मदिया मंदी हाउस, नियर मोहम्मदिया शवरमा, खादरबाग, नानल नगर, हैदराबाद।